ये कहानी है जिन नाम के लड़के की, कि कैसे भाई की किडनैपिंग के बाद जिन की पूरी जिंदगी बदल गई और अब क्या सच है और क्या झूठ ये पता लगाना भी उसके लिए मुश्किल हो चुका है। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं फॉरगॉटन। तो कहानी की शुरुआत में जिन और उसका परिवार, जिसमें उसके माँ बाप और उसका बड़ा भाई है, वे लोग एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। जिन अपने बड़े भाई यू को बहुत मानता था, उसे कोई भी सलाह लेनी हो तो वो अपने बड़े भाई से लेता था। उसका भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा था, साथ ही वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा था, और तो और उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। यू कॉलेज में भी काफी पॉपुलर था, बस उस बेचारे के उल्टे पैर में दिक्कत थी जिस वजह से सब उसे लहरी कहते थे। कुछ टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसी वजह से उसका उल्टा पैर ऐसा हो गया। अब ये लोग मिलकर फर्नीचर को नए घर में रख रहे थे। ये 1997 का वक्त है। इस घर के पिछले ओनर का कुछ सामान अभी भी एक कमरे में रखा हुआ था, इसलिए जिन को अपने भाई यू के साथ ही कुछ दिनों के लिए रूम शेयर करना होगा। मूवर जो सामान को मूव कराने में मदद कर रहे थे, उसने जिन के बड़े भाई की उम्र पूछी, तो इस पर जिन हंसने लगा और कहने लगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा चेहरा मैच नहीं करता। तभी वहां पर यू आ गया और वो मूवर को दूसरा काम बताने लगा। फिर दोनों भाई बैठ के बाकी का काम करने लगते हैं। जल्द ही इनकी शिफ्टिंग पूरी हुई और फिर बरसात की रात में ये लोग साथ में बैठकर सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पर घर को लेकर बात चल रही थी तो डैड ने कहा कि कोई भी उस बंद कमरे को यूज नहीं करेगा, ऐसा पिछले ओनर्स ने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उनका कुछ सामान अभी भी उस बंद कमरे के अंदर रखा हुआ है। फिर जिनको उस कमरे से तेज आवाज आने लगी, लेकिन पूरी फैमिली ने ये कहकर टाल दिया कि ये बिजली कड़कने की आवाज है। तभी बाप ने जिनको याद दिलाया कि उसे उसकी एंटी डिप्रेसिंग मेडिसिन भी लेनी है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जिन मोस्ट प्रोबेबली डिप्रेशन से सफर कर रहा था। फिर रात में जिन म्यूजिक सुन रहा था, तभी उसे वापस उस बंद कमरे से तेज तेज आवाज आने लगी। उसे पहले तो लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो रूम से सच में आवाज आ रही थी। इसलिए वो चेक करने के लिए उस रूम की तरफ जाता है, और इससे पहले कि वो दरवाजे को खोलता, वहां पर यू आ गया। उसने कहा कि उसे तो कोई आवाज नहीं आई, हो सकता है कि ये जिनका बुरा सपना हो। ये कहकर यू से छत पर ले गया और फिर दोनों भाई बात करने लगते हैं। तभी यू के पास उसके डैड का फोन आया और यू ने कहा कि काम हो जाएगा। ये कहकर वो जिन को अकेले छोड़कर नीचे चला गया, और जब जिन ने रोड की तरफ देखा तो कुछ लोग यू पर हमला कर रहे थे और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे थे। जिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस कोशिश में वो गिरकर बेहोश हो गया। होश में आने से पहले उसे कुछ सपने दिख रहे थे जो कि काफी ज्यादा असली लग रहे थे, मतलब वे सपने हैं या फिर हकीकत, ये बता पाना मुश्किल था। तभी जिनकी आंख खुली और उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है। अब कई दिन बीत गए, लेकिन यू का कोई पता नहीं चला। जिनके पेरेंट्स ने कहा कि जल्दी घर पर डिटेक्टिव आएंगे और उसने जो कुछ देखा वो उसे डिटेक्टिव को बताना होगा। डिटेक्टिव के आने पर जिन ने उन्हें बताया कि दो लोग उसके भाई को जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गए। जिन ने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था, लेकिन डिटेक्टिव के हिसाब से ऐसे नंबर की कोई कार एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब दो हफ्ते बीत गए, लेकिन यू का कोई अता पता नहीं, और जिन को सेम वही सपने आ रहे थे जैसे उसे बेहोश होने के वक्त आ रहे थे। साथ ही उसे बंद कमरे के नाइटमेयर्स भी आ रहे थे। 19वें दिन पर यू अपने आप वापस घर आ गया। उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, कौन लोग उसे लेकर गए और उन्होंने 19 दिन तक उसके साथ क्या किया। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि लोग उन मेमोरी को दबा देते हैं जिन्हें वे फेस नहीं कर सकते। यू के घर लौटने के बाद जिन ने अपने बड़े भाई में काफी सारे छोटे छोटे बदलाव नोटिस किए। यू रात में कहीं भी चला जाता था और जब जिन की आंख खुलती तो यू से वहीं बेड पर मिलता। शुरू शुरू में जिन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये चीज जब कंटिन्यू होने लगी तो जिन को ये कुछ अजीब लगने लगा। एक दिन डिप्रेशन वाली मेडिसिन लेते वक्त यू की गोली जमीन पर गिर गई, और इससे पहले कि वो दवाई को उठा के खा पाता, उसके भाई ने उसे खाने के लिए बुला लिया। उन दोनों ने साथ में खाना खाया। तभी जिन ने उससे पूछा कि वो रात में कहाँ जाता है, तो इस पर यू ने कहा, मैं तो कहीं नहीं जाता। यू ने ये भी कहा कि ऐसा उसको सपनों में दिखता होगा। ये कहकर जब यू वहां से जाने लगता है तो जिन ने नोटिस किया कि यू अपने सीधे पैर से लंगड़ा रहा है।
जबकि उसका उल्टा पैर खराब था। अब जिन का एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आ रहा था, इसलिए वो लगातार पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई और तभी हम देखते हैं कि उसका बड़ा भाई यू उसकी आंख के पास मैकेनिकल पेन चलाकर चेक कर रहा है कि वो सो रहा है या नहीं। और फिर जब उसे लगा कि जिन सो रहा है, तो आधी रात में वो घर से बाहर निकल गया। लेकिन जिन तो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो भी अपने भाई का पीछा करते हुए बाहर आ गया। उसने देखा उसका भाई टैक्सी लेकर जा रहा था, तो जिन ने भी टैक्सी ले ली और उसे आगे वाली टैक्सी को फॉलो करने के लिए कहा। जल्द ही जिन ने देखा कि यू दो बदमाशों से मिल रहा है। हालांकि ये वही बदमाश थे जो इनके घर पर डिटेक्टिव बनकर आए थे। जिनको कुछ समझ नहीं आया, वो यू को फॉलो करने लगा, लेकिन बदमाशों ने उसे देख लिया और फिर उनके बीच चेज स्टार्ट हो गया। जिन बदमाशों से बचने में कामयाब तो रहा, लेकिन अचानक पीछे से उसके भाई ने उसे कुछ सुंघा दिया और जब जिन की आँख खुली तो वो सेम उसी पोजीशन में अपनी स्टडी टेबल पर हेड डाउन करके बैठा हुआ था जिस पोजीशन में वो पहले बैठा था। जिन अपने भाई को देखते ही डर गया और उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। हालांकि यू यही कहता रहा कि उसने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन जिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस पर यू ने कहा कि उसने अपनी मेडिसिन भी मिस कर दी थी, शायद इस वजह से ही उसे ऐसे सपने आ रहे हैं। यू ने बातों बातों में कह दिया कि उसने जो टैक्सी वगैरह देखी थी वो सब उसका सपना था। लेकिन जिन ने तो यू को टैक्सी वाली बात बताई नहीं थी, तो उसे कैसे पता टैक्सी के बारे में। अब जिन कन्वेंस हो गया कि किडनैपिंग के बाद जो बंदा उसका बड़ा भाई बनकर इनके घर में रह रहा है वो यू नहीं है, बल्कि कोई और ही है। उसने ये बात अपनी मॉम को बताई और फिर उसे एक और बुरा सपना आता है। आँख खुलने पर उसे प्यास लगी और वो नीचे पानी लेने चला गया। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज़ आई जो फ़ोन पर बात कर रही थी। मॉम कह रही थी कि जिन को अब उन पर शक हो रहा है। इतने में ही मॉम को गेट के पास से कुछ आवाज़ आई और वो शांत हो गई। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जिन ही है जो उसकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो जिन का कमरा चेक करने के लिए ऊपर जाने लगी। जिन बड़ी मुश्किल से बाहर के रास्ते से अपने रूम की तरफ पहुँचा। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन वो सही वक्त पर बिस्तर में पहुँच गया। और जब उसकी माँ ने कंबल उठाकर देखा तो जिन वहीं पर था, लेकिन जिन गीला हो रखा था और खिड़की भी खुली हुई थी, तो उसकी माँ समझ गई कि ये हराम का जना बाहर से आया है। फिर इसकी माँ ने इसके बाप को फ़ोन लगाया और कहा कि हमारा भांडा फूट चुका है। अब जिन बहुत बर्दाश्त कर चुका था, इसलिए वो खिड़की से कूदकर यहां से भागने लगता है। तभी उसे दरवाजे पर उसका बाप मिल गया जो उसे अंदर चलने के लिए कह रहा था। उसका बाप उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग ही उसकी फैमिली है, लेकिन जिन अब कन्वेंस हो गया कि ये लोग उसकी फैमिली नहीं है और वो तेजी में यहाँ से भागा। जल्दी उसे पुलिस स्टेशन दिख गया और वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। यहाँ उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई, जिससे पुलिस वाले भी थोड़े से हैरान थे। जिन के हिसाब से वो 20 साल का था और घर का सबसे छोटा लड़का था। लेकिन जब पुलिस वाले ने उसे आईना देखने के लिए कहा, तो आईने में तो एक अच्छी खासी उम्र का आदमी था। उसे ये भी पता चला कि ये साल 1997 नहीं बल्कि 2017 है। फिर जिन वापस घर आया बंद कमरे को देखने के लिए। उसे कमरे के अंदर एक डमी पड़ा हुआ मिला और चारों तरफ खून फैला हुआ था। जिन ने घर वालों से कहा कि वो सच जानना चाहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, तो उसके भाई यू ने बताया कि वो उसका भाई नहीं है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, और ना ही ये उसके माँ बाप है। दरअसल 20 साल पहले यानी कि 1997 में यहाँ पर एक मर्डर हुआ था, एक नहीं दो, माँ और बेटी का मर्डर। पुलिस उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई और कातिल कभी नहीं पकड़ा गया। फिर विक्टिम फैमिली ने डिटेक्टिव यू को हायर किया ये पता लगाने के लिए कि कातिल कौन है। यू ने अपनी तहकीकात से पता लगा लिया कि कातिल और कोई नहीं बल्कि जिन ही है। फिर डिटेक्टिव ने जिन को किडनैप किया, उसे खूब टॉर्चर किया ताकि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन जिन ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि उसके पास वो मेमोरी नहीं थी जिसमें उसने मर्डर किया हो, जिसके चलते डिटेक्टिव ने हिप्नोसिस की टेक्निक को अपनाना ही ठीक समझा ताकि जिन को याद दिलाया जा सके जो भी उस रात हुआ था। इसलिए डिटेक्टिव और उसकी टीम ने सभी इवेंट्स को रिक्रिएट करने की तैयारी शुरू कर दी। वे जिन को समय में वापस ले जाना चाहते थे ताकि उसकी मेमोरी वापस से आ सके।
सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, उन्होंने एक्टर्स को भी हायर किया और उसके भाई का रोल खुद डिटेक्टिव यू कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रोज पुलिस ने यू को अरेस्ट कर लिया, वो भी स्कैम के चार्ज में। जिन ने सब देख लिया और उसे लगा कि उसके भाई को किडनैप किया जा रहा है। हालांकि उसका भाई 19 दिन तक जेल में था और जब वो जेल से छूटा तो उसने एक कहानी बनाई कि उसे कुछ याद नहीं है। और जो अजीब आवाज़ बंद कमरे से आ रही थी वो इसलिए आती थी क्योंकि वहाँ पर यू की टीम उस रात के सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि जब जिन उस कमरे को खोले तो उसे उस रात की घटना वापस से याद आ जाए। इसी हिप्नोसिस के प्रोसेस को करने के लिए जिन को स्पेशल मेडिसिन भी दी जा रही थी, वो भी एंटी डिप्रेसिंग ड्रग्स के नाम पर। ये सब सुनने के बाद भी जिन ने कहा कि उसने किसी का खून नहीं किया। फिर जिन कन्फ्यूजन में कार से कूद गया और कार एक पेड़ से टकरा गई, साथ ही साथ जिन का भी एक्सीडेंट हो गया। बेहोशी की हालत में अचानक उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिन अपने माँ बाप और बड़े भाई के साथ कार में कहीं जा रहा था, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके माँ बाप मर गए और उसके भाई की हालत क्रिटिकल थी। एक्सीडेंट को 6 महीने हो गए थे और डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं तो वो बच नहीं पाएगा। उस वक्त देश की इकोनॉमी काफ़ी खस्ता हालत में थी और सिर्फ स्कूल ग्रेजुएट होते हुए जिन कहाँ से इतने पैसे लाता, इसलिए उसने इंटरनेट पर जॉब के लिए अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी। फिर उसके पास एक जॉब का ऑफर आया जिसमें उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और ऑफर ये था कि उसे पैसों के बदले एक औरत का खून करना होगा। उसे ऑर्डर दिया गया कि सिर्फ औरत को मारना है और 2 बच्चों को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाना है। जिन बेचारा मजबूर था अपने भाई को बचाने के लिए, इसलिए वो अनजान शख्स की बताई लोकेशन पर पहुंच गया। घर में घुसते ही उसे लगा कि वो जो करने जा रहा है वो गलत है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो वापस चला जाएगा। लेकिन तभी लेडी की आंख खुल गई और उसने जिन को देख लिया, साथ ही उसने जिन के हाथ में चाकू भी देख लिया और वो अचानक चिल्लाने लगती है। जिन ने उसे शांत रहने के लिए कहा और फिर वो शांत हो गई। लेकिन तभी उस लेडी की बेटी वहां पर आ गई और वो जिन के हाथ में चाकू देखकर पैनिक हो गई। वो छुपने के लिए ऊपर भागने लगती है। जिन ने उसका पीछा किया और अनजाने में चाकू लड़की को लग गया जिससे लड़की की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और फिर पैनिक में जिन ने आंटी जी को भी मार डाला। तभी वहां पर आंटी का छोटा लड़का आता है तो जिन ने उसे कहा कि अपने रूम में जाकर 110 तक गिनो जब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास आ जाएगी। ये कहकर जिन वहां से भाग गया। फिर वो उस आदमी से मिला जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके भाई का डॉक्टर ही था। डॉक्टर को अपनी वाइफ की इंश्योरेंस मनी की ज़रूरत थी क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते वे लोग सड़क पर आने वाले थे। लेकिन जिन ने उसकी बीवी के साथ साथ उसकी बेटी को भी मार डाला जिसके चलते डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो जिन को छत से फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो खुद ही नीचे गिर गया। अब जिन को होश आ गया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में था। वहाँ पर यू भी था जो उसे जहर वाला इंजेक्शन देने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जिन ने कन्फेस कर लिया कि उसने ही वो खून किए थे। उसे सब याद आ चुका था, उसने यू को सारा सच बता दिया। फिर यू ने उसे बताया कि वो और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे जिन ने 110 तक गिनने के लिए कहा था। लेकिन 110 तक गिनने के बाद भी उसकी मॉम उसके पास कभी नहीं लौटी। वो जानना चाहता था कि जिन ने ये काम किसके कहने पे किया था। जिन सच बताना तो चाहता था लेकिन उसने बताया नहीं। हालांकि यू ने पहले अंदाज़ा लगा लिया था कि ये काम उसके बाप का होगा क्योंकि उसके बाप ने माँ के मर्डर से कुछ टाइम पहले ही माँ का इंश्योरेंस करवाया था। इस वक्त ना तो यू सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार था और ना ही जिन। हालांकि सच दोनों को पता था जिसके चलते यू ने खुदकुशी कर ली और जिन भी वो जहर वाला इंजेक्शन लेकर मर गया। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मूवी के अंदर गलत कौन है। क्या जिन जो अपने भाई की जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाने वाला था, या फिर यू का बाप जो अपने बच्चों को सड़क पर आने से बचाना चाहता था। कभी कभी हम जिंदगी में उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ पर सही गलत की लकीर धुंधली पड़ने लगती है। ऐसे में कोई भी फैसला लेने की जल्दबाजी मत करो, वक्त के साथ जो धुंधलापन है वो साफ हो जाएगा।
और आपको सब चीज़ वैसी दिखने लगेगी जैसी दिखनी चाहिए। इसी थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।